जय माता दी। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमारे खाना और मुस्कुराना में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं डोसा और इडली, जो कि ये सभी को बहुत ही पसंद आता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले इसमें एक कटोरी चावल लिए हैं। ये चावल जो है मोटा वाला है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। ये एक कटोरी है। ये उड़द का दाल है, ये आधी कटोरी है। एक कटोरी चूड़ा है, आधी कटोरी से कम चना का दाल है। एक चम्मच मेथी दाना है। ये सब चीजों को हमें 3 से 4 घंटा के लिए भिगोना है, और इसके लिए हम पहले से ही भिगो दिए थे। और ये देखिए, अच्छे से ये फूल भी गया है। ये देखिए, टुकड़ा भी इसका हो जा रहा है चावल का और दाल का। और इसी में चना का दाल भी हम डाल दिए हैं, ये भी 2 टुकड़ा हो रहा है। ये यानी अच्छे से मेरा फूल गया। अब इसको एक छन्नी में जो है हम छान लेंगे। इस तरह से इसको छन्नी में पूरा निकाल लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। और इसको पीसने के लिए ज्यादा पानी यूज नहीं करेंगे। ज्यादा पानी यूज करेंगे तो बैटर एकदम पतला हो जाएगा। इडली और डोसा के लिए थोड़ा गाढ़ा ही घोल रखना पड़ता है। अब छान लिए। अब इसको एक मिक्सी के जार में सब कुछ डाल चुके हैं। अब इसमें जो है थोड़ा सा इस कटोरी से आधी कटोरी पानी डाल के पीसेंगे इसको। चलिए देखते हैं पेस्ट। ये पेस्ट पूरी अच्छी तरह से पीस गया है, देख सकते हैं। अब इसको एक बाउल में खाली कर देंगे। बैटर को अच्छे से मिला करके अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से ढक करके रख देंगे। उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। खमीर इसमें अच्छे से उठ गया है, ये देखिए। इतना ही गाढ़ा पेस्ट इडली के लिए करना है। एक भगोना लिए हैं, उसमें पानी जो है इतना लेना है। और ये इडली का सांचा का ये जो नीचे का हिस्सा है, ये पानी में जाएगा। ज्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये पानी इसके ऊपर सांचे के ऊपर आ जाएगा। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक इडली के सांचे में इस तरह से एकदम हल्का हल्का ऑयल लगाना है। ये रिफाइंड ऑयल लगा रहे हैं, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। ये घोल को एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद इस सांचे में जो है थोड़ा थोड़ा ही रखेंगे इस तरह से। प्लेट में रख लेंगे। इसमें हम इनो सोडा मीठा कोई भी यूज नहीं किए हैं। इसको ऐसे बंद कर देंगे। देख लेते पानी में उबाल आया कि नहीं। तो पानी में उबाल आ चुका है। अब इस पानी में उबाल आ गया है। अब इसको धीरे से इसमें रख देंगे और ये हाई फ्लेम पे ही रहेगा। अब इसको ढक देंगे। इसको ऐसे बर्तन से ढकेंगे कि जो कि टच ना करे और भाप भी ना निकले, ताकि ये अच्छे से सिक जाए इस तरह से। अब इसको एक बार देख लेते हैं खोल के कि इडली हुआ कि नहीं। अब एक चाकू की सहायता से चाकू में तेल लगा के चाकू ऐसे लगा के देख लेंगे इडली हुआ कि नहीं। इसमें जरा भी लगा नहीं है। अगर लगा होता तो थोड़ी देर के लिए हम इसको और ढक देते। सांचे को इसमें से निकाल के और इसको इस तरह से रख देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, तब इसमें से निकालेंगे। अब ये सांचा ठंडा हो गया है। अब इसका ये ऊपर वाला खोल देते हैं। उसके बाद एक चाकू की सहायता से इसको हल्के हाथ से निकालेंगे ऐसे, इस तरह से। सांचे में ग्रीसिंग अच्छे से किए थे,
इस वजह से देखिए इसमें जरा सा भी चिपका नहीं है। इडली देखिए तैयार हो चुका है। कितनी फुली फुली इडली है, सॉफ्ट है, पफी है। आप इसको सांभर और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।